हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद गीता सागर। आज मैं आप सबके साथ टी टाइम के लिए परफेक्ट डाइजेस्टिव बिस्किट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ मैं एक कप ओट्स ले रही हूँ। ये प्लेन ओट्स है, क्वेकर ओट्स है। इसे मिक्सी में पीस लूँगी। 2 मिनट चलाने के बाद ये इस तरह का ओट्स हमारा हो जाता है। ये डाल रही हूँ बाउल में। इसके साथ ही 1 कप गेहूं का आटा डाल रही हूँ मैं। इसमें 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर है और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब इसे साइड में रख देंगे। एक दूसरे बाउल में 1/2 कप और 1 टेबल स्पून ब्राउन शुगर मैं ले रही हूँ। इसे मिक्सी में पीस लूँगी। ये देखिए हमारा पीस गया ब्राउन शुगर। इसे बाउल में डाल दूँगी और उसके बाद 1/2 कप घर का देसी घी ले रही हूँ मैं। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें 2 टेबल स्पून रूम टेम्परेचर का मिल्क भी मैं डाल रही हूँ और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तीन से चार मिनट फेंटने के बाद ये अच्छी तरह सारा कुछ आपस में मिक्स हो जाएगा। इस तरह का टेक्सचर हो जाएगा। अब मैं बीटर ये विस्कर हटा दे रही हूँ। उसके बाद जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स बनाए थे वो मैं डाल दूँगी सारा और हाथ की हेल्प से इसे गूंद लेंगे। गूंदना नहीं है, इकट्ठा कर लेना है। इस तरह से सारी चीज़ें आपस में मिक्स होकर इकट्ठे हो जाएंगी। अगर आपको लग रहा है थोड़ा ड्राई है तो 1-2 चम्मच आप घी डाल सकते हैं और अब इसके एक बड़ा सा पेड़ा मैं बनाऊंगी। और बटर पेपर के बीच में रख के ऊपर से एक और बटर पेपर लगाकर बेल लूंगी। इस तरह से बेल लेंगे। 1/2 सेंटीमीटर की थिकनेस होनी चाहिए। उसके बाद कोई भी कुकी कटर या ढक्कन लेकर इसके कुकी की शेप में काट लेंगे इसे हम। ये हमारे कुकीज कट गए। अब इन्हें मैं एक बेकिंग ट्रे में अरेंज करती जाऊंगी। इस बीच हमने ओवन को 200 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। इस तरह से अपनी सारी कुकीज हम अरेंज कर लेंगे बेकिंग ट्रे में। यहाँ देखिए अरेंज हो गए। अब इसे मैं बेक करने डाल रही हूँ 200 डिग्री पे 20 मिनट्स के लिए। आफ्टर 20 मिनट्स हमारे कुकीज़ बेक होके आ चुके हैं। यहाँ देखिए इसे नीचे से कितना अच्छा इसका कलर आया है। जब ठंडी हो जाएंगी तो मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ। यहाँ हमारे बिस्किट्स ठंडे हो गए हैं। इसे मैंने प्लेट में अरेंज कर लिया है। ये देखिए मैं ब्रेक करके दिखा रही हूँ अंदर से टेक्सचर कितना अच्छा आया है इसका। अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और आगे की रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।